नमस्कार सो यू नो थोड़ा सा आजकल कहते हैं काम थोड़ा कम है तो मैं वो वीडियो शायद आपके लिए बना पा रहा हूँ जो सीज़न के दौरान मैं नहीं बना पाया था और आप में से बहुत लोगों की क्वेरी फ़ोन आती थी और मेरा एक्चुअली इच्छा थी कि मैं कॉलेज के बाहर खड़ो होकर आपको बताऊँ क्योंकि मैं एक ही बार उस कॉलेज में गया हूँ उसके बाद बाई चांस की बात तब मैं वीडियोज़ बनाता ही नहीं था जब मैं गया था चार साल पहले और उसके बाद थोड़ा सा ना वो हटके पड़ जाता है तो ये लोकेशन इतनी ख़राब नहीं है तो पहले हाँ कॉलेज जिसका हम नाम ले रहे हैं वो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार क्लोज टू हरिया इन हरियाणा और आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है, है विवेक गुप्ता और जो इस चैनल को पहली बार देखेंगे हम एम एजेंट नहीं एम बी कंसल्टेंट तो हैं ही और उसके ऊपर करियर कंसल्टेंट और वो धीरे धीरे जानेंगे जब आप पुराने वीडियोज़ को अगर देखने का समय निकालेंगे तो ये वीडियो है यू नो सॉल्विंग द मिस्ट्री बिहाइंड दिस कॉलेज पहले उसकी बात करेंगे देखिए नॉर्मल एक कॉलेज है यू जी सब है हिसार शहर से थोड़ा सा बाहर पड़ता है एक्चुअली बीस किलोमीटर बाहर पड़ता है और मैंने वही कहा कि इसलिए बार बार जाना होता नहीं है और अब ये है क्या जी आप इसी कट ऑफ देखेंगे तो ये शायद इंडिया का जैसे मैंने कहा बिल्कुल यूनिक कॉलेज है बिल्कुल यूनिक आउट ऑफ ओवर 700 हंड्रेड अगर एक कॉलेज जो मैं कहूँ बिल्कुल एक यूनिक है जो समझ के बाहर है वो ये वाला कॉलेज है कैसे देखिए फीस इसकी सरकारी जैसी है मतलब कि वैसे हरियाणा में सरकारी कॉलेज की फ़ीस अबाउट एक लाख रुपए साल की इसकी है इसकी फ़ीस ज़्यादा है ढाई लाख के करीब है और तो फीस तो होगी सरकारी वाली लेकिन मैनेजमेंट सब कुछ वर्किंग है प्राइवेट वाली वो कैसे जब 2022 में बॉन्ड आया था बॉन्ड पहली बार हरियाणा में 2020 में आ गया था लेकिन फिर दो, दो क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है टेक्निकली ऑन पेपर तो हरियाणा का जो फेमस सात ईयर वाला बॉन्ड था जो फिर पाँच साल का हो गया था वो इस कॉलेज पर लागू नहीं हुआ था तो सिर्फ़ इस पर और ई एस आई पे नहीं ई एस आई पे आज पे भी नहीं है क्योंकि ई एस आई का अपना बॉन्ड है एक साल वाला पर जो बाकी हरियाणा के सरकारी कॉलेज थे उसके मुकाबले इस पर भी बॉन्ड लागू हुआ नहीं तो दो हज़ार बाईस की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अग्रसेन से नीचे कट ऑफ ना एक्चुअली पी जी एम एस रोहतक से भी ऊपर थी जी हाँ तो 600 उस शायद ज़्यादा छः सौ पैंतीस छत्तीस मार्क्स था क्योंकि भाई आपको सरकारी फ़ीस का मज़ा मिल रहा है बॉन्ड नहीं लग रहा जो हरियाणा में आ गया था और फीस रीज़नेबल थी तो बहुत कट ऑफ ऊपर चली गई अब फिर मुझे ना कई बार फ़ोन आता है बाहर से कि सर ये हम यूपी के या राजस्थान के हैं हम हरियाणा का फॉर्म भर रहे हैं और ये इतना सस्ता कॉलेज जो अग्रसेन है प्राइवेट का ये हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा समझ रहे हो क्योंकि प्राइवेट में तो ओपन है हरियाणा स्टेट तो जब वो बात आती है तो ये ओपन नहीं है जी हाँ जब हम उत्तर प्रदेश का बच्चा हरियाणा का फॉर्म भरता है स्टेट का एंड वी आर एलिजिबल फॉर ओनली हरियाणा प्राइवेट कॉलेजेस या मध्य प्रदेश का बच्चा भर रहा है तो जो लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आएगी उसमें आदेश आएगा एच आएगा एन आएगा झज्जर आएगा और अब अल्फला आएगा और अब छठा पिछले साल से एम एम भी आएगा बट अग्रसेन वहाँ भी नहीं आएगा उसको देख के लगता है कि अगर सेन सरकारी कॉलेज है चलो अब यही बच्चा जब ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरता है जिसमें हर सरकारी कॉलेज के पंद्रह परसेंट सीटें आती हैं उसमें भी महाराजा अग्रसेन नहीं आता जी हाँ क्योंकि उस समय अग्रसेन प्राइवेट है तो महाराजा अग्रसेन की सीट कोई भी ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती क्योंकि वो टेक्निकली प्राइवेट है लेकिन जब आप हरियाणा का ओपन स्टेट का फॉर्म देखते हो बाहर वाले के लिए फॉर प्राइवेट तो अग्रसेन नहीं आता कि तब वो काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट बन जाता है फिर कुछ लोगों को लगता है सर बाहर का बच्चा जो होता है कि जी सेमी गवर्नमेंट है तो लोग को लगता है भी सेमी गवर्नमेंट है तो हमें भी मिलना चाहिए तो इन समरी बस ये कॉलेज ऐसा है जो कि बिहेवियर में प्राइवेट है ठीक है वो साबित हुआ था जब पहली बार बॉन्ड नहीं लगा था बिहेवियर में प्राइवेट है इसलिए पंद्रह परसेंट ऑल इंडिया कोटा नहीं है फ़ीस में सरकारी है तीन लाख रुपये साल की फीस बॉन्ड के मामले में सरकारी है बॉन्ड लग लग चुका है इस पर और बाहर के बच्चों के लिए नॉन हरियाणा के लिए भी सरकारी है क्योंकि आपकी लिस्ट में कॉलेज नज़र ही नहीं आता तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सरकारी है आप इसे ऐसे मान लीजिए अगर आपको समझना है कि ये वो प्राइवेट कॉलेज का है हरियाणा का जिसमें सारे सरकारी कॉलेज के रूल लग रहे हैं सिर्फ एक को छोड़ के कि इसकी पंद्रह परसेंट सीटें ऑल इंडिया कोटा में नहीं दी जाती क्लियर हो गया तो ये वो सरकारी है जिसकी फीस बाकी सरकारी से दो लाख ज़्यादा है अब इस इसमें बॉन्ड भी लग रहा है तो वो फ़र्क नहीं रह गया ये सरकारी है तो नॉन हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे जब हरियाणा का स्टेट फॉर्म भरते हैं उन्हें ऑप्शन नहीं नज़र आती लेकिन ये उस मामले में प्राइवेट हो जाता है कि इसकी सीटें पंद्रह परसेंट ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती राइट और ऐसा शायद यूनी कॉलेज पूरी इंडिया में कोर भी और मेडिकल का नहीं है तभी तो मैंने बोला कि स्पेशली वीडियो आपके लिए बनाऊँगा द क्यूरियस मिस्ट्रियस केस ऑफ महाराजा ग्रेसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग काम के वीडियो सुनने देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज ले सके और मैं रिपीट करता हूँ कि देखिए ये वीडियोस आपके लिए बनाना मेरा पर्पज़ रहता है कि जो एक बड़ी जानकारी है जो मोटा मोटी जानकारी है वो आपको मिल जाए आप इस चैनल पे और भी वीडियोस देखेंगे जो नॉन एमबीबीएस होंगे तो जैसा मैंने कहा कि हम तो एक करियर मेंटर हैं एम बी बी इंडिया की काउंसलिंग करना हमारी एक सर्विस है जो बहुत हम इज्जत से और बहुत अच्छे से करते हैं ऐसा आप लोगों का ही कहना है बट इसके अलावा हम एम बी बी भी करते हैं हम स्टडी अब्राड भी करते हैं नॉन एम बी अब्रॉड जैसे कहते हैं जिसमें यू ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू एस ए न्यूजीलैंड सिंगापुर जर्मनी फ्रांस बच्चे जाते हैं और हम नॉर्मल करियर काउंसलिंग सेशनस भी देते हैं आई एज ए पर्सन मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स भी लेता हूँ विद माई बैकग्राउंड तो वो सब हम करते हैं और चूँकि हम करते हैं अच्छा काम करते हैं हम कभी टेलीकॉलिंग नहीं करते आप हमें कभी फ़ोन करते हो हम कॉल बैक नहीं करते जब तक आप हमारे क्लाइंट ना हो जाए मतलब हाँ कॉल मिस कर देंगे तो एक बार ज़रूर करेंगे और इसलिए हम बात करने के भी चार्जेस लेते हैं पहली मीटिंग के भी चार्जेस लेते हैं फ़ोन पे कौन लेने के ढाई हज़ार रुपये होते हैं मीटिंग के पाँच हज़ार होते दी जाती मिनिमम चार्जेस और उसके बाद जैसा हमसे आप काम कराते हैं उसके हिसाब से हमारे चार्जेस बदलते रहते हैं चेंज होते रहते हैं ओके okay, तो जो भी प्रोडक्ट आप हमारा लेते हैं जो भी सर्विसेज लेते हैं एम बी इंडिया के अंदर भी हमारी काउंसलिंग चार्जेस तीस से लेकर डेढ़ लाख तक जाती है और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि कई बार भाई जब पहला फ़ोन आता तो मैं समझाता हूँ लेकिन मुझे लगा था कि एक वीडियो में बना ही दूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि इस दोनों चार्जेस में क्या फ़र्क है या इतनी लंबी रेंज क्यों है बाकी आपको कई कंपनी मिलेंगी जो 50,000 फ्लैट लेते हैं कोई पचहत्तर हज़ार फ्लैट ले रहा है कोई दे लाख से कम लेता नहीं है मेरा थोड़ा वही मानना है बींग बनी है कि भाई जितना काम उतना दाम और हर एक नंबर पे हर एक बजट पे हर एक एक्सपेक्टेशन पे काम की क्वांटिटी अलग होती है और जितने काम की क्वांटिटी होने वाली है उसके हिसाब से ही हम एक कॉस्टिंग या अपनी फीस लेते हैं क्योंकि हमारे लिए हर बच्चा वैसे सेम है लेकिन काम के एफर्ट के मामले में सेम नहीं होता वो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा इसमें लंबा हो जाएगा और उसी अलग की वजह से ही चार्जेस सेपरेट होते हैं ओके बेस्ट विशी बेस्ट ऑफ लक हमसे संपर्क करना चाहें हमारा नंबर जो कई सालों से सेम रहा और हमेशा सेम रहेगा नाइन सिक्स फोर थ्री थ्री सिक्स टू थ्री टू जीरो यही नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पर जैसा मैंने कहा आप कॉल करने से पहले सोच के चलिए कि जो उठाएगा वो आपसे दो मिनट बात करके आपको एक नंबर देगा जो कि दूसरा नंबर होता है जिस पे आप पे टी या जी पे फ़ोनपे करेंगे या मिलाना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी पर्सनली मैं मोस्टली दिल्ली बैठता हूँ नॉर्थ दिल्ली साइड पे पीतमपुरा एरिया बोलते हैं और इसके अलावा आई ट्रैवल अलाट हमारे पार्टनर ऑफिस हैं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही हैं कुछ कुछ साउथ और वेस्ट में भी हैं और आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको सिर्फ देखो तो मैं तो वहाँ को मिलूँगा नहीं तो बट ये कि आप वहाँ जाकर मुझसे जूम पे या गूगल मीट पे बात कर सकते हैं नॉर्थ में कभी बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं महीने में एवरेज एक चक्कर रोहतक का एक चक्कर पानीपत का एक चक्कर हिसार का एक चक्कर लखनऊ का एक जयपुर का एक अलवर का लगाता रहता हूँ तो अगर टाइमिंग सूट होती है तो फिर हम उन पार्टनर ऑफिस में भी मिल सकते हैं ओके बेस्ट फिशेस बेस्ट ऑफ लक आपके किसी भी करियर के लिए जिसके लिए आप इस वीडियो को और चैनल को देख रहे हैं ठीक है